का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर ने स्वयं करवाया था। हालांकि इस मकबरे की संपूर्ण संरचना को अकबर के बेटे ने पूरा किया। यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। अगर भ्रमण पर निकले पर्यटक इस प्राचीन संरचना को देखना पसंद करते हैं, खासकर दीवारों की गई बारीक नक्काशी आगंतुकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। मकबरे का हर एक कोना देखने लायक है। यहाँ मौजूद मेहराबे और मीनारे कारीगर की दक्षता को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। वैसे इस मकबरे से एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते हैं, भले ही यह अकबर का मकबरा है लेकिन इस मकबरे में अकबर की अस्थियां मौजूद नहीं है। इसके पीछे की भी एक अनकही कहानी जुड़ी है। इतिहास से जुड़े पन्नों के मुताबिक यह मकबरा कभी किसी जाट शासक द्वारा लूटा गया था, जिसने अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकालकर आगरे की गलियां में घुमाई थी क्योंकि वो पिता का बदला लेना चाहता था। यह अकबर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल आपको यहां जरूर आना चाहिए। ग्रीष्मकाल के दौरान आगरा काफी ज्यादा गर्म रहता है, इसलिए आप यहां का प्लान अक्टूबर से लेकर फरवरी के मध्य का बना सकते हैं। इस दौरान यहां का मौसम काफी मनमोहक बना रहता है और आप आराम के अकबर के मकबरे के साथ शहर की अन्य संरचनाओं को देख सकते हैं। हालांकि आगरा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहां साल भर पर्यटकों का आगमन लगा रहता है। इस मकबरे की यात्रा आपके लिए कई मायनों में खास हो सकती है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक शानदार स्थल है। यहां मुगल कालीन इतिहास के कई अहम पहलुओं को समझा जा सकता है। आप इस मकबरे के माध्यम से मुगल वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। यहां की यात्रा आपको भारतीय इतिहास की तरफ ले जाएगी। इसके अलावा आप आगरे स्थित अन्य संरचनाओं को भी देख सकते हैं, जिसमें ताजमहल सबसे खास है। आगरा आप परिवहन के तीनों साधनों की मदद से पहुंच सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा आगरा एयरपोर्ट है, जहां से आप कैब या टैक्सी के द्वारा मकबरे तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आप आगरा रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, जहां से भी आपको मकबरे के लिए प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहां सड़क मार्गों के जरिए भी पहुंच सकते हैं। आगरा दिल्ली और आसपास के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।